नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का भाग दो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा, और उससे एक बात का हमें पता लगा, जब भी कोई न कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया जरूर होगी। मीन केमिकल चेंज ऑलवेज लीड्स टू ए केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया जरूर होगी। ठीक है, अब हम उन फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, हमें कैसे पता लगे कि कोई ना कोई हमारे चाव इतनी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, हमें कैसे पता चलेगी ये अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। इसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्टिविटी क्या है, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, जलाया जाता है। जब भी मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो इसका निर्माण होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक व्हाइट कलर का ये पाउडर है, इसका निर्माण होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है बहुत बार कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसको रेगमार से अच्छी तरह से साफ किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम एक बहुत ही क्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम एक बहुत ही क्या क्रियाशील धातु है, और ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बन जाती है, लेयर, एक परत बन जाती है। इस परत की वजह से क्या है, ये ऑक्सीजन से आगे रिएक्ट नहीं कर पाता। इसीलिए जब भी हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो मैग्नीशियम का जो रिबन होगा उसको किससे साफ करना पड़ेगा, पहले रेगमा से साफ करने की जरूरत पड़ती है। सेकेंड एक्टिविटी में देखिए क्या है, जिंक की अभिक्रिया किसके साथ करवाई गई है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। जिंक के कुछ ग्रैनुल्स लिए गए हैं, कुछ दाने लिए गए हैं, उसके ऊपर क्या डाल दिया हमने, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, दैट मे बी डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड, ठीक है, तनु और सांद्र हो सकता है ये। तो इसमें क्या हुआ, जिंक सल्फेट बनेगा और कौन सी गैस निकलेगी इसके अंदर, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एक बात और, जब हम इस पिक्चर को छू के देखेंगे इसके अंदर जो अभिक्रिया हो रही है, तो ये बिकर हमें कैसा महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। इसका मतलब क्या है, इस अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ, तापमान में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। थर्ड जो एक्टिविटी है, इसके अंदर क्या है, लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया किसके साथ करवाई गई है, पोटेशियम हाइड्राइड के साथ। एक प्रक्रिया में क्या लिया गया है, लेड नाइट्रेट लिया गया है, और इसके अंदर क्या डाल दिया गया, पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया गया है। पोटेशियम आयोडाइड डालते ही इसमें येलो रंग, पीले रंग के क्या बन जाएगा, कुछ सॉलिड दिखाई देगा, उनको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है और अक्षेप कहा जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो अघुलनशील इनसॉल्युबल सॉलिड जो बनता है, इनसॉल्युबल जो सॉलिड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो इन जो ये एक्टिविटीज की है, इन एक्टिविटीज के आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे चारों ओर होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उनमें से रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, अवस्था के अंदर परिवर्तन क्या होगा, अवस्था के अंदर परिवर्तन। सेकेंड क्या है, रंग में परिवर्तन। थर्ड क्या है, गैस का उत्सर्जन। फोर्थ क्या है, तापमान में परिवर्तन। जब भी किसी चेंज के अंदर, केमिकल चेंज के अंदर अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, गैस का उत्सर्जन हो, या तापमान में क्या हो, परिवर्तन हो, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो चेंज ऑलवेज लीड्स टू केमिकल रिएक्शन। उससे क्या होगा, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर होगी। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में। इसके अंदर देखो, अभी पहले एक्टिविटी के अंदर हमने क्या किया था, मैग्नीशियम की अभिक्रिया किसके साथ करवाई थी, ऑक्सीजन के साथ करवाई थी। तो जब हम, यदि हमें इसे लिखना पड़े, इसको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ध्यान दें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन
जो स्टार्टिंग मटेरियल हमने लिया है इनको क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक मीन रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे इनको? रिएक्टेंट। और जो बाद में बना है नया पदार्थ जो बना है उसको क्या बोलेंगे हम? उत्पाद। उत्पाद मीन प्रोडक्ट। उत्पाद मीन प्रोडक्ट। और दोनों को यदि मान लिया हमारे विकार एक से ज्यादा है तो उनके बीच में कौन सा निशान आएगा? प्लस का निशान आएगा। ऐसे प्रकार यदि उत्पाद एक से ज्यादा बनते हैं तो उनके बीच में कौन सा एरो आएगा? प्लस का साइन आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ये रिएक्शन लिख दी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, परंतु ये जो रिएक्शन लिखी है हमने जो शब्दों में लिखी है यदि इस रिएक्शन को हम बार 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 ऐसे ही लिखते रहेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसलिए जब भी कोई केमिकल इक्वेशन को हमें लिखना पड़ेगा तो हम उसमें क्या करेंगे? हम सिंबल्स का यूज करेंगे। जो भी उसके अंदर हमारे एलिमेंट्स यूज है या जो भी हमारे यौगिक बने हैं कंपाउंड बने हैं उन सभी के हम क्या करेंगे? सिंबल्स का क्या करेंगे? यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। हमें पता है मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg है। ऑक्सीजन का क्या है? O2 है। और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये वाली जो साइड है ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में अभी कारक का एक काम कर रहे हैं। और MgO क्या है? ये उत्पाद। मीन ये क्या है? दैट इज प्रोडक्ट। दैट इज प्रोडक्ट। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरी जो रिएक्शन लिखी थी हमने जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्या बना इसमें? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जिंक और ये क्या है? रिएक्टेंट है। और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन क्या है? दोनों दैट आर प्रोडक्ट्स उत्पाद है। ये दोनों क्या है? उत्पाद है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रासायनिक अभिक्रिया की। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम इस प्रकार दर्शाएंगे जितने भी अभिकारक और उत्पाद आए हैं इस अभिक्रिया के अंदर उनकी जगह पर उनके सिंबल्स काम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। उस एलिमेंट भी हो सकते हैं या कोई यौगिक बना तो यौगिक का फॉर्मूला हो सकता है। तो ये इस प्रकार ये इक्वेशन एक रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर रही है? दर्शा रही है। एक रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर रही है? दर्शा रही है। सिमिलरली ये वाली इक्वेशन भी क्या कर रही है? रासायनिक समीकरण भी क्या है? अभिक्रिया को दर्शा रही है। अब बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण की अब हम क्या करेंगे? बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। नाइन्थ क्लास में एक लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है? कोई भी फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, कोई भी भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन हो, हमेशा ही अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान, रिएक्टेंट का मास किसके बराबर होगा? उत्पाद के मास के बराबर होगा। मीन रिएक्टेंट का मास हमेशा किसके बराबर होगा? हमेशा ही प्रोडक्ट के मास के क्या होगा? बराबर होगा। रिएक्टेंट का मास हमेशा किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। यदि कोई भी जनरल इक्वेशन यदि हम लें, यदि ए से क्या बना है? बी बना है। यदि ए आपने 10 ग्राम लिया है तो बी भी कितना बनेगा? 10 ग्राम ही बनेगा। तो हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या पार्टिसिपेट करते हैं? परमाणु पार्टिसिपेट करते हैं। किसी भी तत्वों के परमाणुओं की संख्या किसी भी अभिक्रिया के अंदर क्या होगी? एक समान होगी। ध्यान से सुनिए बात दोबारा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर किसी भी तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होगी? हमेशा
बराबर होगी। इसीलिए हमें क्या है, द्रव्यमान के सक्शन के नियम को फॉलो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना पड़ेगा, हमें संतुलित करना पड़ेगा ताकि द्रव्यमान के सक्शन का नियम क्या हो, फॉलो हो। इसलिए हमें अभिक्रिया को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल Mg plus O2 that gives MgO, Mg plus O2 that gives MgO। तो हमें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड है सिंपल। हमें क्या करना है, दोनों ओर एटम्स की संख्या गिननी है, परमाणुओं की क्या गिननी है, संख्या गिननी है, और फिर उनको क्या करना है, हमें पहले से कर देना है। देन से देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे दो भी परमाणु होंगे इसके अंदर, वो लिखेंगे मैग्नीशियम है ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड में ये वन है, इस साइड कितना ये वन है। ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं दो है, और इस साइड कितने हैं एक। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। मैग्नीशियम यहाँ पे दो है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे टू से। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो चुकी है, मैग्नीशियम यहाँ दो है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने एटम है दो है, यहाँ पे कितने हैं दो है, ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं दो। इसी प्रकार अन्य उदाहरण करते हैं हम एक और, अगला जो हमारा एग्जांपल है दैट इज Fe प्लस H2O दैट गिव Fe3O4 आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दैट गिव आयरन ऑक्साइड प्लस दैट गिव आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। यहां से देखेंगे Fe plus H2O Fe3O4, सबसे पहले हमें क्या करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड वैसे ही है परंतु जो सबसे बड़ा फार्मूला होगा हम सबसे पहले उसको पिक करेंगे। अब इसमें देखो Fe के कितने परमाणु यहाँ पे तीन है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, थ्री से क्या कर देंगे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। Fe यहाँ पे दोनों बैलेंस हो चुका है। अब ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे फोर है, यहाँ पे कितना है वन है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दें फोर से। अब हाइड्रोजन देखेंगे, देखो कई बार ये ऐसे होगा 4H2O, अब ये कितना हुआ H2 कितनी बार है 4 बार, तो हाइड्रोजन में कितने परमाणु हो गए यहाँ पे 8 हो गए। इस प्रकार हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे H2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो Fe3 हो गए। ध्यान से देखो Fe दोनों कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यहाँ 3 है, यहाँ पे कितने हैं 3 है। हाइड्रोजन गिनेंगे यहाँ 8 है, यहाँ पे कितने हैं 8 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ पे कितने हैं 4 है। तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इट रिप्रेजेंट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड इट्स फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या है, ये फॉलो कर रही है। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित के इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं एनसीईआरटी बुक में, सभी बच्चे उसको क्या करेंगे ट्राई करेंगे, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करेंगे। इसके बाद इस इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, Fe plus H2O that give Fe3O4 plus H2O। अभी इस इक्वेशन को बैलेंस किया था, यहाँ 3 था 4 एंड 4। अब भी इस इक्वेशन से हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही, ज्यादा जानकारी के लिए क्या करेंगे, अब हम इसमें स्टेट्स का यूज करेंगे। सॉलिड के लिए हम यूज करेंगे वर्ड S, लिक्विड के लिए वर्ड यूज करेंगे L, और गैस के लिए वर्ड यूज करेंगे G। ये किसी भी अभिकारक या उत्पाद की अवस्था के बारे में हमें बताएंगे। कोई सॉलिड होगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जैसे आयरन सॉलिड है हम रिएक्ट में क्या लिखेंगे S। अब H2O क्या है, H2O में भी सॉलिड लिक्विड और गैस, आयरन के ऊपर से हमने क्या यहाँ पे स्टीम को पास किया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे जी लिखेंगे।
सिमिलरली Fe3O4 क्या हो रहा है हमारा सॉलिड और H2O क्या है गैस। इसके अलावा एक और वो यूज होता है AKO मीन एक्वस। ये किसके लिए यूज करेंगे घोल मीन सॉल्यूशंस के लिए इसको क्या यूज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी भी सब्सटेंस का आपने सॉल्यूशन लिया है, फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो NaCl क्या लिखना पड़ेगा हमें AKO। AKO का मीन क्या है एक्वस, वाटर के अंदर उस सब्सटेंस का क्या है सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन जितने भी एग्जांपल है एनसीईआरटी बुक्स पे वो करने हैं, और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम सिंबल्स का यूज करते हैं, सॉलिड हो गया लिक्विड हो गया गैस हो गया। दीज रिप्रेजेंट व्हाट स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मीन अभिकार को उत्पाद की क्या है दर्शाते हैं, स्टेट्स को दर्शाते हैं। एक एग्जाम्पल और जैसे हम देखते हैं C+O2 दैट गिव CO2, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया गया कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्बन सॉलिड है ऑक्सीजन क्या है गैस है, ये भी क्या है गैस है। अब ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हमारे लिए बन जाती है, जैसे कार्बन को जो हमने लिया वो सॉलिड था ऑक्सीजन गैस थे और कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो भी क्या है गैस है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।